हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। जैसे फर्स्ट है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड डैश। तो यहाँ कह रहे हैं कि कोई सी भी चीज जिसके पास मास है और जो क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस घेरता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहां से करेक्ट आंसर पहला गैस, सॉलिड, मैटर या लिक्विड। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैटर। हर चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास मास है तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसोफर ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, व्हाट आर दे कॉल्ड। तो क्वेश्चन में कहा है कि एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग हर एक मैटर, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, इन 5 एलिमेंट्स से मिलकर के बना है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है पंच तत्व। तो इन्हें पंच तत्व कहेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो टोटल जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, जनरली हम पढ़ते हैं 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, पर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 तो है। इसके अलावा 2 और है, एक है प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो 2 और है, यानी टोटल कितनी है, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फिर नेक्स्ट है, फोर्थ है, विच फिगर शोज द गैस, इनमें से कौन सा फिगर है जो कि गैस को शो करता है। तो यहां अगर हम देखते हैं तो ये है ए फिगर, फिगर बी और ये फिगर सी है सपोज। और यहां पर यहां के जो पार्टिकल है ये सबसे दूर है, और हमें पता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है, ये हमारा आंसर है, यानी कि हमारा जो फिगर बी है ये आंसर है। और इसमें बिल्कुल पार्टिकल पास पास है, इसका मतलब ये क्या होगा, सॉलिड होगा। इसमें पार्टिकल क्या है, उससे कुछ दूरी पर, मॉडरेट दूरी पर है, इसका मतलब ये लिक्विड होगा। और यहां पर पार्टिकल सबसे ज्यादा दूरी पर है, सबसे ज्यादा स्पेस यही है, इसीलिए ये क्या होगा, गैस होगा। और यहां पूछा भी था कि कौन से गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बी फिगर जो है वो गैस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट। तो यहां कहा है कि किसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें, जो सबसे ज्यादा पास है वो मतलब एक दूसरे को बहुत ज्यादा तेजी से पकड़े हुए हैं और पास करके रखे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें से क्या आ जाएगा, सॉलिड, सॉलिड जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं उनके पार्टिकल्स। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिक्स, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनेट शेप। मैटर की कौन सी स्टेट है जिसका कि डेफिनेट शेप होता है। तो यहां है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो यहां से सॉलिड जो है उसका हमारा डेफिनेट शेप होता है। तो यहां पर सॉलिड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर है, विच स्टेट ऑफ मैटर हैज प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी इनमें से किसमें होती है, डिफ्यूजन मतलब जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेसेस हैं और उन स्पेसेस के बीच में कोई दूसरे पार्टिकल इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो गैस के पार्टिकल जो है उनके बीच में ज्यादा स्पेस है, इसीलिए दूसरे पार्टिकल्स उसके बीच में जाके फिक्स हो सकते हैं। इसीलिए यहां पर हम क्या कहेंगे कि डिफ्यूजन किसमें हो सकता है, डिफ्यूजन गैस में पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां गैस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड डैश। तो यहां कहा है कि कितनी हीट हमें किसी
कोई सा भी सब्सटेंस है हमारे पास, वो भी एक केजी, मान लो ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है एक केजी और ये सॉलिड है, और हम क्या कर रहे हैं इसको गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये सॉलिड से चेंज होता है किसमें, लिक्विड में। तो धीरे धीरे ये किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में बदलते जाएगा। तो ये पूरी तरह से सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होने पर उसे जितनी हमने हीट दी है, यानी सॉलिड को पूरी तरह से लिक्विड बनाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है वो उसकी क्या कहलाती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 10th, व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेट सब्सटेंस। इनमें से कौन सा जो एग्जांपल है वो सब्लिमेट सब्सटेंस का है, स्टोन, कॉटन, कैम्फर या ब्रिक। तो अभी हमने पढ़ा था सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधे कन्वर्ट हो जाता है गैस। तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, ये करता है कैम्फर। कपूर को यदि आप कहीं रख दें, दो चार दिन बाद आप देखेंगे तो वो गायब हो जाएगा और वहां कुछ नहीं दिखेगा। तो ये जो कपूर है ये धीरे 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 गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से, और वहां से गायब हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता। ठीक, तो ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, ये थे 10 MCQs। इसके आगे के जो MCQs है वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो एक और बनाऊंगा। बने रहिए आप मेरे साथ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।